जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th जो इंग्लिश का न्यू सिलेबस दिया है उसमें विस्तार यानी सप्लीमेंट रीडर या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी, जिसमें आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो दिया है द टाइगर किंग, इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। द महाराजा यानी कि महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी प्रतिबंधपुरम के, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराज, इज मतलब है द हीरो नायक ऑफ दिस स्टोरी इस कहानी के। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं। ही मे वी, ही मतलब उन्हें, मे वी आइडेंटिफाइड पहचाना जा सकता है, ही मे बी आइडेंटिफाइड उन्हें पहचाना जा सकता है एज के रूप में हिज हाइनेस, हिज मतलब उनकी हाइनेस माने उपाधियाँ, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस उन्हें उनकी उपाधियों के रूप में पहचाना जा सकता है। अब कौन कौन सी उपाधि मिली है उनका यहाँ जिक्र किया गया है, जमींदार जर्नल यानी कि जमींदार जर्नल के उपाधि के रूप में उन्हें पहचाना जा सकता है, किलेदार मेजर, किलेदार मेजर के उपाधि के रूप में उन्हें पहचान सकते हैं, सत व्याग्रह समहारी, सत विग्रह समहारी की उपाधि के रूप में उन्हें पहचान सकते हैं, महाराजा धीराज यानी कि महाराजा धीराज की उपाधि के रूप में उन्हें पहचान सकते हैं, विश्व भवना सम्राट, विश्व भवन सम्राट की उपाधि के रूप में उन्हें पहचान सकते हैं, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, यह उनका वास्तविक नाम है सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK यानी कि इन सभी उपाधियों से आप उन्हें पहचान सकते हैं। लेकिन अब इन सभी उपाधियों को शॉर्ट में क्या कहा गया है, बट लेकिन दिस नेम, यह नाम, ये जो ऑफन शॉर्ट एंड यानी कि संक्षिप्त किया जाता है, ऑफन माने प्राय, लेकिन इस नाम को प्राय संक्षिप्त किया जाता है टू द टाइगर किंग यानी टाइगर किंग के नाम से, अर्थात लेकिन इस नाम को टाइगर किंग के नाम में प्राय संक्षिप्त कर दिया जाता है। अब आपके जो राइटर हैं वो बताएंगे कि इनका नाम जो है टाइगर किंग क्यों कहा जाता है या इन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों कहते हैं। तो बताया है आई हैव कम, आई मतलब मैं, अर्थात आपका राइटर हैव कम आया है, फॉरवर्ड माने आगे, टू टेल बताने के लिए, यू माने आप लोगों को, आई हैव कम फॉरवर्ड में आगे आया हूँ टू टेल बताने के लिए, यू आप लोगों को, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू मैं आप लोगों को बताने के लिए आगे आया हूँ, वाई कि क्यों, ही कैम, ही मतलब वह, कैम टू बी नॉन जाने जाते हैं, पैसिव वॉइस इन्फिनिटिव का, कि क्यों वह जाने जाते हैं एज के रूप में टाइगर किंग यानी कि टाइगर किंग के। तो पूरा होगा फ्रेंड्स, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, मैं आप लोगों को बताने के लिए आगे आ जा हूँ कि क्यों उन्हें टाइगर किंग के नाम के रूप में जाना जाता है। आगे कहते हैं आई हैव नो इंटेंशन, आई हैव, मेरा नो इंटेंशन कोई इरादा नहीं है, इंटेंशन माने इरादा, ऑफ प्रटेंडिंग, प्रटेंडिंग माने होता है वैसे बहाना करना, तो आप यहाँ दावा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा टू एडवांस आगे बढ़ने का, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रटेंडिंग टू एडवांस, मेरा आगे बढ़ने का दावा करने का कोई इरादा नहीं है, अर्थात तो मेरा आगे बढ़ने का दावा करने का कोई इरादा नहीं है, ओनली केवल टू एंड इन की अंत में, अर्थात कहानी के अंत में, आ स्ट्रेटेजिक यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से विदड्रॉवल की मैं पीछे हट जाऊँ, यानी आपके राइटर कहते हैं कि मेरा आगे बढ़कर दावा करने का कोई इरादा नहीं है कि मैं कहानी में एक योजनाबद्ध तरीके से अंत में वापस लौटाऊं, अर्थात अब मैंने इस कहानी को लिखना शुरू कर दिया तो मैं आप लोगों को इसे पूरा बताऊंगा, अब चाहे प्रलय हो या कुछ हो या कोई भी परेशानी हो, मैं अब इसे बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो क्या कहते हैं आगे कि इवन वी द थ्रीट, धमकी यानी कि धमकी भी ऑफ आ स्टोका बम्बर यानी कि स्टोका बम्बर, ये आपका एक जहाज है, वायुयान है, यानी कि जो है बहुत तेज़ी से बम बारिश कर सकता है, अर्थात बहुत तेज़ी से बम में फेंक सकता है,
यानी कि तुम कह सकते हो कि बहुत कम ही समय में वह तबाही ला सकता है, जिस प्रथम विश्व युद्ध दौरान यह जहाज था। इवन द थ्रीट ऑफ स्टुका बम्बर, यानी कि स्टुका बम्बर की भी धमकी भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ, यानी कि मुझे विचलित नहीं करेगी ट्रैक माने मेरे मार्ग से, यानी कि बम्बक जो स्टुका बम्बर की धमकी भी मुझे मेरे मार्ग से अब विचलित नहीं करेगी, अर्थात वह मुझे अब मेरे मार्ग से भी नहीं हटा पाएगी। द स्टुका यानी कि जो स्टुका आपका वायुयान है, इफ इट लाइक्स यदि वह ऐसा पसंद करता है, इफ इट लाइक्स वह ऐसा पसंद करता है तो कैन वी बीट अ हेस्टी, हेस्टी माने शीघ्रता से रिट्रीट पीछे हट जाए फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से, यानी अगर वह बमबारी करना भी चाहता है या मुझे विचलित करने का प्रयास करता है तो वह अगर इस कहानी में कोई बाधा लाना चाहता है तो वह मेरी जो कहानी है इससे जल्दी से शीघ्रता से वापस हट जाए। अगर मैं अब वह बमबारी भी करेगा तो मैं इस कहानी को बताने से अब पीछे नहीं हटूंगा। तो यह कहते हैं आपके राइटर, तो कहते हैं द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रिक्ट फ्रॉम माई स्टोरी, यदि स्टुका बम्बर यह चाहता है तो वह मेरी कहानी से शीघ्रता से पीछे हट जाए। आगे है फ्रेंड्स, राइट एट द स्टार्ट यानी कि ठीक आरंभ से, इट इज इम्परेटिव, इम्परेटिव माने वैसे आप जानते हैं आदेश होता है तो आदेशात्मक, लेकिन यहाँ अनिवार्य या आवश्यक कह सकते हैं आप। राइट एट द स्टार्ट यानी कि ठीक आरंभ से, इट इज इम्परेटिव यह आवश्यक है या यह अनिवार्य है टू डिस्क्लोज कि खुलासा कर दिया जाए, डिस्क्लोज माने खुलासा कर दिया जाए अ मैटर उस बात का, ऑफ विटल, विटल जो अत्यधिक इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है, यानी कि जो बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण है उन बातों का खुलासा कर दिया जाए अबाउट के बारे में, द टाइगर किंग यानी कि टाइगर किंग के। तो राइट एट द स्टार्ट यानी ठीक आरंभ से, इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर, तो इस बात का या इस बात का टाइगर किंग के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों को खुलासा करना अनिवार्य है या आवश्यक है, यानी कि कुछ बातों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो टाइगर किंग है वह वास्तव में है क्या। तो देखिए यहाँ बताते हैं, एवरीवन हर कोई व्यक्ति हु रीड्स जो पढ़ता है ऑफ हिम उनके बारे में, अर्थात जो टाइगर किंग है उनके बारे में, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है विल एक्सपीरियंस अनुभव करेगा द नेचुरल डिजायर अपनी स्वाभाविक इच्छा का, नेचुरल माने स्वाभाविक, डिजायर माने इच्छा, अपनी स्वाभाविक इच्छा का टू मीट मिलने का, अ मैन एक ऐसे व्यक्ति थे ऑफ हिज इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल माने होता है अधम्य, करेज माने होता है साहस, यानी कि उस अधम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस आमने सामने, यानी कि अगर कोई व्यक्ति टाइगर किंग के बारे में पढ़ना चाहता है तो उनमें बहुत साहस था, वह टाइगर से भी खूब लड़े थे, तो वह कहते हैं कि इसलिए उनका नाम टाइगर पड़ा है, तो वह कहते हैं कि अगर उनके बारे में कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से वह आमने सामने मिलना चाहेगा था, तो उससे एक मुलाकात अवश्य करना चाहेगा। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं, एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है वह अपनी स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा और आमने सामने ऐसे अधम्य साहस वाले व्यक्ति से मिलना भी चाहेगा। बट लेकिन देयर इज नो चांस, कोई अवसर नहीं है, देयर इज नो चांस कोई अवसर नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूरे होने का, लेकिन उसकी इच्छा के पूरे होने का कोई अवसर नहीं है। अवसर क्यों नहीं है वो आगे बताया है, एक एग्जाम्पल दे के आप लोगों को, एज जैसा कि भरत सेड टू राम, यानी जैसा कि भरत ने राम से कहा, यानी कि जब राम वनवास को चले जाते हैं तो उनके पिता जो दशरथ हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो भरत उनसे मिलने चाहते हैं, तो वो वन में कहते हैं कि एज भरत सेड टू राम, जैसा कि रामायण में भरत ने राम से कहा अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, जैसा भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा। तो आगे क्या कहे, द टाइगर किंग यानी कि जो टाइगर किंग है हैज रीच्ड, वह भी पहुंच चुके हैं दैट उस फाइनल अंतिम अवार्ड निवास स्थान पर, अवार्ड माने निवास स्थान ऑफ ऑल सभी लिविंग जीवित क्रिएचर्स माने प्राणियों के। तो द टाइगर किंग यानी कि
उसी समान टाइगर किंग हैज रीच पहुंच चुके हैं दैट फाइनल अवार्ड, उस अंतिम निवास स्थान पर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स यानी सभी जीवित प्राणियों के। यानी कि जैसा रामायण में भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था, ठीक उसी प्रकार से टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों के उस अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। अर्थात इन अदर वर्ड्स, अर्थात दूसरे शब्दों में, अर्थात आप दूसरे शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि द टाइगर किंग इज डेड, यानी जो टाइगर किंग है उनकी मृत्यु हो चुकी है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। अब मृत्यु कैसे हुई थी, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है, यह ब्रह्मणा है। तो आगे यहाँ बताया गया है कि द मैनर यानी कि तरीका ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, इज मतलब है अ मैटर, एक मामला ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने अद्भुत, इंटरेस्ट माने रुचिकर। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी कि उनकी मृत्यु का तरीका वास्तव में एक रुचिकर या अद्भुत एक रुचिकर मामला है। यानी उनकी मृत्यु का जो तरीका है वह एक अद्भुत रुचिकर मामला है। इट कैन बी, इट मतलब इस बात को, कैन बी रिवल्ड, प्रकट किया जा सकता है, पैसिव वॉइस है, इट कैन बी रिवल्ड, इस बात को प्रकट किया जा सकता है, ओनली मतलब केवल, एट द एंड, अंत में, ऑफ द टेल, टेल माने कहानी, अर्थात कहानी के अंत में। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी इस बात को केवल कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा फैंटेस्टिक यानी कि रुचकर, एसेप्ट यानी कि एस्पेक्ट माने आप कह सकते हैं पक्ष या दृष्टिकोण, ऑफ हिज डिमाइस उनके विनाश का, वॉज माने था। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस यानी कि उनके विनाश के, उनकी विनाश का सबसे मनोरंजन या रुचिकर पक्ष या दृष्टिकोण था दैट कि एज सून एज, जैसे ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए। तो कहने का मतलब है उनके विनाश का सबसे रुचिकर पक्ष या दृष्टिकोण था कि जैसे ही वह पैदा हुए थे एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो ज्योतिषी, तो फ्रेंड्स पुरोहित या जो पंडित लोग अब भी नामांकन करने के लिए आते हैं तो उनके बारे में बताया गया है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषी हैड फोर टोल्ड यानी कि भविष्यवाणी कर दी, फोर टोल्ड माने भविष्यवाणी कर दी दैट कि वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग यानी कि टाइगर किंग वुड एक्चुअली, वास्तव में, हैव टू टाई, मरना होगा। यानी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन वास्तव में टाइगर किंग को मरना ही पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर देखिए ये छोटे से बच्चे क्या कहते हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, 10 दिन के ही हैं। तो द चाइल्ड यानी कि वह बालक, वो ज्योतिषी बता रहा है अभी इसी बात को, ध्यान से समझना, द चाइल्ड यानी कि वह बालक विल ग्रो अप, बड़ा होकर टू बिकम, बनेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम यानी कि यह बालक बड़ा होकर बनेगा द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स यानी योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी विजेताओं का विजेता। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी कि यह बालक बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन इस बात को कहकर जो जोशी हैं वह रुक जाते हैं। बट लेकिन, तो दे माने वे लोग, विट माने काटते हैं, देयर लिप्स अपने होठों को, दे विट देयर लिप्स यानी कि वे अपने होठों को काटते हैं। इन चीज़ों को कहने के बाद वो रुकते हैं और अपने होठों को काटते हैं। एंड और स्वेलोड, निगलना, हार्ड माने कठिन था, स्वेलोड माने होता है निगलना और हार्ड माने कठिन, और निगलना कठिन था किस चीज़ को, सच्चाई को। लेकिन वो इतनी बात कहकर रुक जाते हैं, बट कहने के बाद, और अपने होठों को काटते हैं और सच्चाई को कहने में यानी कि सच्चाई को निकलने में उन्हें दिक्कत होती है। वैन जाओ कंपेल्ड, मजबूर किया जाता है टू कंटिन्यू, अपनी बात को जारी रखने के लिए। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन लोगों को अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो द एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषी कैम आउट विद इट, अपनी बात को कहते हैं, तो ज्योतिषी अपनी बात को कहते हैं, दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवेल्ड,
एट ऑल, एट ऑल माने बिल्कुल भी, विच मतलब जिसे शुड नॉट बी रिवेल्ड, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए एट ऑल, बिल्कुल भी। तो वह कहते हैं कि यह एक रहस्य है और जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड और यट, फिर भी वी आर फोर्स, हम लोगों को वाद किया जाता है। तो आगे जोशी कहते हैं कि एंड येट वी आर फोर्स, लेकिन फिर भी हम लोगों को बाध्य किया जाता है टू स्पीक आउट, बताने के लिए या बोलने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। तो वे लोग बताते हैं, जोशी हैं, कि द चाइल्ड यानी कि यह बालक बॉर्न, पैदा हुआ है अंडर दिस स्टार, स्टार माने होता नक्षत्र, यानी इस नक्षत्र में, यानी यह बालक इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, वन डे एक दिन, हैव टू पड़ेगा, मीट माने मिलना, इट्स डेथ अपनी मृत्यु से, अर्थात यह बालक इस नक्षत्र में पैदा हुआ है इसीलिए इसे एक दिन अपनी मृत्यु से मिलना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट यानी ठीक उसी समय, एट दैट वेरी मोमेंट ठीक उसी क्षण या उसी समय, अ ग्रेट मिरकल, अ ग्रेट अत्यधिक, मिरकल माने चमत्कार, अर्थात एक अत्यधिक चमत्कार या एक बड़ा चमत्कार टुक प्लेस, संपन्न हुआ। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरकल टुक प्लेस यानी ठीक उसी समय अत्यधिक चमत्कार संपन्न हुआ। क्या संपन्न हुआ? एन एस्टोनिशिंग यानी कि एक आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग माने होता है आश्चर्यजनक, फ्रेज माने वाक्यांश, इमर्ज निकल पड़ा या प्रकट हो गया फ्रॉम द लिप्स, होठों से, ऑफ 10 डे ओल्ड यानी 10 दिन के हुए, जिलानी जंग जंग बहादुर यानी कि जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से। तो कहते हैं एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, ठीक उसी समय एक बड़ा जो मिरेकल, मिरेकल यानी कि चमत्कार था, वह संपन्न हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर यानी 10 वर्ष के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश टूट पड़ा। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं वाक्यांश क्या होता है, जो अपना अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। तो वाक्यांश क्या था वो यहाँ लिखा है, ओ वाइज, अरे बुद्धिमान प्रोफेट्स यानी कि पैगम्बरों, ओ वाइज प्रोफेट्स यानी कि अरे बुद्धिमान पैगम्बरों। तो इतना वह बालक कहता है लेकिन कोई समझ नहीं पाता है पहली बार में। तो कहते हैं एवरी वन, हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति स्टूल खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स्ड मान होता है हक्का भक्का होकर, इन स्टुफेकेशन यानी कि आश्चर्य में, स्टुफेकेशन मान होता है आश्चर्य। तो एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुफेकेशन यानी हर कोई व्यक्ति आश्चर्य में हक्का भक्का खड़ा हो गया, यानी जो लोग भी बैठे हो वह एक साथ खड़े हो गए होंगे और हक्के बक्के हो गए होंगे। आगे बताया उनकी कंडीशन, दे लोग, उन्होंने देखा वाइडली या आप कह सकते हैं घबराते हुए या पागलों की तरह, एट ईच अदर, एक दूसरे को, यानी कि उन लोगों ने एक दूसरे को घबराते हुए या पागलों की तरह देखा, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी पलकों को झपकने लगे, ब्लिंक माने पलकें झपकना, यानी कि वे लोग एक दूसरे को घबराते हुए या पागलों की तरह देखने लगे और अपनी पलकों को झपकाने लगे। एक बार फिर वह वाला कहता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान पैगम्बरों, इट वॉज आई, यह मैं ही था। इम्फेटिक सेंटेंस है फ्रेंड्स, आई इट के बाद एज एम आर या वॉज वर, और इनके बाद हमेशा हमें सब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो आप देखें सब्जेक्टिव केस ही है। तो ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगम्बरों, इट वॉज आई, मैं ही तो था, हु स्पोक, जिसने बोला। यानी कि जब वो हक्के बक्के देखते हैं तो वो बालक एक बार फिर कहता है कि अरे बुद्धिमान पैगम्बरों, यह मैं ही तो था जो जिसने बोला, अर्थात जिसने ये शब्द कहे। तो दिस टाइम, इस समय, देयर वर नो ग्राउंड्स, कोई आधार नहीं था फॉर डाउट, संदेह के लिए, यानी इस बार संदेह के लिए कोई आधार नहीं था, ग्राउंड्स माने आधार। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट माने होता है शिशु, यानी इट वॉज इन्फेंट, यह शिशु था, वॉर्न जो पैदा हुआ था, जस्ट ठीक 10 डेज एगो, 10 दिन पूर्व, यानी कि यह वह नवजात शिशु था जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था, हु हैड एनिशिएटेड,
जिसने इतनी अच्छी तरह से इनिशिएटेड उच्चारण किया था द वर्ड्स उन शब्दों का सो क्लियरली और इतनी स्पष्टता के साथ। यानी 10 दिन का अगर बाप लग देखें तो फ्रेंड्स वह अच्छे से टुनमुना भी नहीं पाता है, तो यह तो काफ़ी अच्छी तरह से बोल रहे हैं टाइगर किंग। तो कहते हैं कि इट वॉज द इन्फेंट वॉन जस्ट 10 डेज एगो हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। यानी कि यह वह नवजात शिशु था जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था, जिसने इतनी स्पष्टता के साथ उन शब्दों का उच्चारण किया था। तो इतने पर द चीफ जो उनके मुख्य एस्ट्रोलॉजर जोशी थे, यानी इतनी बात पर जो मुख्य जोशी थे, टुक ऑफ निकाल लिए हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को। यानी कि इतनी बात सुनने के बाद, यानी इन शब्दों को सुनने के बाद, जो मुख्य जोशी थे उन्होंने अपने चश्मे को निकाल लिया एंड और गेज्ड टकटकी लगा के देखने लगे या ध्यान से देखने लगे इंटेंटली माने धैर्य से एट द बेबी उस बालक की ओर। यानी अपना चश्मा निकालने के बाद उस बच्चे को टकटकी लगा के या ध्यान से देखने लगे, गेज माने होता है घूरना वैसे। तो मुख्य जोशी जो थे उन्होंने अपने चश्मे को निकाला और उस बालक को ध्यान से देखने लगे। क्या कहते हैं, ऑल दोज, यानी वह बालक कहता है इस बात को, ऑल दोज वे सभी लोग हु जो आर बॉर्न पैदा होते हैं, ऑल दोज हु आर बॉर्न वे सभी लोग जो पैदा होते हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है। यानी कि वह कहता है बालक जो टाइगर किंग है कि वे सभी लोग जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है योर प्रेडिक्टिक्शंस, यानी कि आपकी भविष्यवाणी की, प्रेडिक्टिक्शन माने होता है भविष्यवाणी। तो वी डोंट नीड योर प्रेडिक्टिक्शंस टू नो दैट, यानी कि हमें उस बात को जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे तो हर कोई जानता है जो समझदार होता है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है, तो इसमें खास बात क्या है। वह अपना तर्क देते हैं टाइगर किंग, यानी 10 दिन के ही थे। तो आगे बताया है कि देयर वुड बी सम सेंस इन इट, देयर वुड बी, अगर होता सम सेंस, कुछ अर्थ इन इट, इस बात में, यदि इस बात में कुछ अर्थ होता तो इफ यू कुड टेल, तो यदि आप हमें बता सकते हैं, आसमान हम लोगों को, द मैनर, वह तरीका ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु के बारे में। यानी इस चीज को तो सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है, तो हमें यह जानने की आपकी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात में कोई अर्थ है तो यदि तुम हमें उस मौत के तरीके के बारे में बता सकते हैं, अर्थात मैं कैसे मरूंगा यह बताइए, ज्यादा अर्थपूर्ण होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, यानी वह सहाई नवजात शिशु अटर्ड माने कहा दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, ये ऊपर के शब्द है ना, ये इन्हीं ने कही थे टाइगर किंग ने। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, यानी कि वो शाही नवजात शिशु ने इन शब्दों को कहा, इन हिज लिटिल, अपनी छोटी सी स्क्वेकी यानी कि तीखी वॉइस माने आवाज में, यानी शाही शिशु अपनी छोटी और तीखी आवाज में इन शब्दों को कहे। द चीफ यानी कि मुख्य एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी प्लेस्ड, रखा हिज फिंगर, अपनी उंगली को, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर, यानी कि मुख्य जोशी ने अपनी नाक पर अपनी उंगली को रख लिया, इन वंडर, आश्चर्य में। यानी कि मुख्य जोशी ने अपनी उंगली को आश्चर्य में अपनी नाक पर रख लिया। और क्या कहते हैं, आ बेबी, एक बच्चा, बेयरली, मुश्किल से 10 डेज ओल्ड, 10 वर्ष का हुआ है, ओपन्स, खोलता है इट्स लिप्स, अपने होठों को, इन स्पीच, बोलने के लिए। यानी कि एक बालक या एक बच्चा मुश्किल से 10 दिन पहले पैदा हुआ है, वह बोलने के लिए अपने होठों को खोलता है। नॉट ओनली दैट, इस बात के लिए नहीं, इट आल्सो रेजेज, यह उठाता भी है, रेजेज माने उठाता भी है, ऑल्सो माने भी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धिमानी पूर्वक प्रश्नों को, यानी कि यह बोलने के लिए ही अपने होठों को नहीं खोलता है, बल्कि यह बुद्धिमान पूर्वक क्वेश्चनों को भी उठाता है, अर्थात बुद्धिमानी पूर्वक प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल, यह तो अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आगे है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि वह मुख्य जोशी टोक हिज फिगर ऑफ, अपनी उंगली को हटाया, हिज नोज, अपनी नाक से, यानी मुख्य जोशी ने अपनी नाक से अपनी उंगली को हटाया, एंड और फिक्स्ड
केंद्रित कर दिया हिज आइज अपनी आंखों को अपॉन द लिटिल प्रिंस उस छोटे से राजकुमार के ऊपर, यानी कि उस मुख्य जोशी ने अपनी नाक से अपनी उंगलियों को उठाया और उस छोटे से राजकुमार पर अपनी आंखों को जमा दिया। द प्रिंस यानी कि वह राजकुमार वॉज बॉर्न पैदा हुआ था इन द आवर घंटे में ऑफ द बुल यानी कि बैल के। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल यानी कि वह राजकुमार बुल अर्थात बैल के अर्थात वृषभ जो वृषभ राशि होती है वृषभ राशि के घंटे में पैदा हुआ था। अब वृषभ राशि में फ्रेंड्स जो बैल और टाइगर थे वह एक दूसरे के दुश्मन थे, तो कहते हैं कि यानी कि यह राजकुमार वृषभ राशि के घंटे में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमिज, इनेमिज माने शत्रु, यानी द बुल यानी कि बैल और टाइगर आर मतलब है इनेमिज माने शत्रु, यानी कि बैल और बाघ एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफोर इसीलिए डेथ कम्स मृत्यु आएगी फ्रॉम द टाइगर यानी टाइगर से, इसीलिए जो मौत है इसकी बालक की वह टाइगर से आएगी अर्थात यह टाइगर के हाथों से मरेगा। ही एक्सप्लेन्ड उसने ऐसी व्याख्या की। तो फ्रेंड्स आगे और देखते हैं, तो कहते हैं यू मे थिंक आप सोच सकते हैं दैट की क्राउन यानी कि वह शाही राजकुमार जंग जंग बहादुर यानी कि जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इंटू अ क्विक, थ्रोन इंटू अ क्विक यानी कांप गया होगा, यानी कि आप सोच सकते हैं कि वह शाही राजकुमार जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इंटू अ क्विक वह कांप गया होगा व्हेन ही हर्ड द वर्ड जब उसने ये शब्द सुने होंगे, यानी कि जब उसने ये शब्द सुने होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वह शाही राजकुमार इन शब्दों को सुनकर जंग जंग बहादुर कांप गए होंगे। टाइगर यानी कि टाइगर दैट के वॉज एग्जैक्टली ठीक व्हाट डिड नॉट हैपन कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एज सून एज जैसे ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड जैसे ही उन्होंने इस घोषणा को सुना तो द क्राउन प्रिंस यानी कि वह शाही राजकुमार गेव अ डीप ग्राउल, ग्राउल माने गुर्राते हुए, यानी कि वह शाही राजकुमार एक गुर्राते हुए स्वर में कहे टेरिफाइंग वर्ड्स यानी भयानक शब्दों में इमर्ड निकले फ्रॉम हिज लिप्स उनके होठों से, यानी शाही राजकुमार गुर्राते हुए एक गहरे शब्दों में कहे और शब्द कैसे थे टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ड फ्रॉम हिज लिप्स और उनके होठों से भयानक शब्द निकल पड़े, क्या निकल पड़े लेट टाइगर्स बीवेयर सावधान हो जाए टाइगर, यानी उनके मुँह से एक फ्रेज निकला वह क्या था कि जो टाइगर हैं वह सावधान हो जाए। दिस अमाउंट यह वर्णन, अमाउंट माने वर्णन है वर्णन इज ओनली अ रमर एक केवल अफवाह है राइफ जो फैलाई गई है इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में यानी कि अभी आपने जो सुना है कि जब जोशियों ने कहा है कि इस बच्चे की मौत है वह टाइगर से होगी तो वह कहते हैं कि लेट टाइगर्स बी बेयर कि टाइगरों अर्थात बाघो सावधान हो जाओ। दिस अमाउंट अकाउंट इज ओनली अ रमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम यानी कि यह वर्णन केवल प्रतिबंधपुरम में फैलाई गई एक अफवाह है अर्थात यह बात सच नहीं है। बट लेकिन विद हाइड साइट यानी कि पक्ष दृष्टि से अर्थात पीछे के विवरण से वी में कॉन्क्लूड हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ की यह जो बात है वह कुछ सच्चाई पर ही घटित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको पहला पार्ट इसका टीच करा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका हर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो सेकंड पार्ट कल हम आगे देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टेक केयर, हैव फन।